हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। अगर आप मछली पकड़ने के शौकीन हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। जी हाँ, सागर जिले में मछली पकड़ने पर हत्या हो जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर सागर जिले के नरयावली थाने से सामने आई, जहां बीते दिनों इलाके के धसान नदी में विष्णु यादव के शव मिलने के मामले में पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। दरअसल बीते दो दिन पहले धसान नदी में लापता विष्णु यादव का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि विष्णु यादव आखिरी बार मछली का शिकार करने नदी पर गया था। इसी के चलते जब पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की तो पता चला कि मछली पकड़ने के दौरान जाल डालने को लेकर विष्णु यादव का खैरा कला निवासी करण पिता मुन्ना रैकवार से विवाद हुआ, और इसी विवाद के चलते आरोपी करण रैकवार ने विष्णु यादव को मारकर नदी में फेंक दिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि नदी पर मछली पकड़ने की जाल डालने को लेकर विष्णु से उसका विवाद हुआ और उसने विष्णु पर हमला कर दिया, और जब उसकी मौत हो गई तो उसके शव को नदी में फेंक दिया। गौरतलब है कि बीते शनिवार की सुबह विष्णु यादव का शव नदी में उतराता मिला था, जो बीते चार दिन से घर से गायब था। मामले में विष्णु यादव के पिता का कहना था कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, लेकिन विष्णु के शरीर पर चोटों के निशान के चलते परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। बता दें कि छह बहनों में विष्णु एकलौता भाई था और उसकी तीन बेटियां थीं। इस पूरे मामले से गांव में मातम पसर गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। किशनपुरा का विष्णु यादव पिता जगदीश यादव है। ये अपने खेत फसल के लिए जो है धसान नदी पर सिंचाई के लिए मोटर रखे हुए हैं। जो 13 तारीख की रात में अपनी सिंचाई के लिए मोटर चलाने के लिए गए थे, पर वापस घर नहीं आया था, जिसकी सूचना उसके परिवारजन सुरेंद्र द्वारा 14 को दी गई थी। उसकी गोविंदसान कुमार 42 कैम्प कर उसकी तलाश जाँच की गई। उसके बाद तलाश करते दौरान फिर 18 तारीख को उसकी मृतक की गुमशुदा की बॉडी उसी धसान नदी में तैरती हुई दिखी गई थी। जो चंद्रवान द्वारा सूचना देने पर मर्ग क्रमांक 58-21 कैम कर पंचनामा कार्रवाई की गई थी। इसके पंचनामे के दौरान शरीर में कुछ चोटें दिखी थी, जिसका पंचनामा बाद पीएम कराया गया। पीएम में डॉक्टर साहब ने उसकी सिर में चोटें होना लिख की गई थी, और उसकी मर्ग जांच पर जो मृतक की जो है अपराध सिर में चोट पहुंचाकर अज्ञात जो आरोपी द्वारा उसमें पहुंचाया गया था। उस जांच के दौरान उसमें एक पछवाड़ा वहाँ करण सलैया का रहने वाला था, जो वहाँ जाल डाले था। उस दौरान घटना की रात में इन दोनों के बीच में जाल डालने पर से विवाद होने पाया गया, जिस पर से अपराध 382 धारा 302 IPC कायम किया गया। सर, इसमें कुछ आरोपी करण यादव को भी पुलिस द्वारा अभी दस्तावेज कर लिया गया है, जिसकी कार्रवाई कर आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। नरयावली से देवांशु जैन, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।